उत्तर प्रदेश में इन दिनों किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी हुई है। एक तो बेमौसम बारिश से जहां धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है, किसानों के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब दूसरी जो सीजन है उसकी बुआई से पहले खादों की किल्लत हो गई है। डीएवी खाद की किल्लत होने से किसानों की बुआई पर असर पड़ रहा है, इससे उनकी दूसरी सीजन की फसल भी पिछड़ रही है। ऐसे में किसानों ने अब आक्रोश दिखाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं ललितपुर जिले में एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया है जिसमें डीएपी खाद से भरा हुआ ट्रक जैसे ही सेंटर पर आया उसे रोककर किसान खाद खुद से उतारकर लूटकर भागने लगे। ऐसे में पुलिस ने मामले को समझा और किसानों के ऊपर बल प्रयोग ना करते हुए समझाने का प्रयास किया। किसानों को समझा करके उन्होंने थोड़ी सी उन्हें राहत दी और खाद दिलाने का आश्वासन दिला। इसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और ट्रक लूट का जो वाकया था उसको निजात पाया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकार क्या कर रही है, ये बहुत चिंता की बात है। किसानों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन कहीं भी सरकार और या उसके कर्मचारी खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।